अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर जीनियस फजल अमीन, आपके साथ हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो जनाब मैं आपको एक वीडियो में बताने लगा हूं कि जब आप सोलर पैनल ख़रीदने जाते हैं तो उसके पीछे जो स्टिकर लगा होता है, आखिर इसका क्या मतलब होता है, ये किस चीज़ की निशानी ज़ाहर करता है, ये इस पैनल के बारे में इसके ऊपर क्या लिखा होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, जब आप पैनल लेने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस तरह का स्टिकर लगा होता है। इसमें सबसे पहले लिखा होता है पोली, जैसे इसमें लिखा होता है 150 वाट, यानी कि एक सोलर पैनल में पोली होता है, एक मोनो होता है। अगर मोनो आपने लेना है तो यहाँ पे स्टिकर के शुरू में लिखा होगा मोनो 150 वाट, ठीक है। अगर पोली आपने लेना है तो पोली 150 वाट, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर जो होती है उस पैनल की कितनी होनी चाहिए। अगर आप पैनल छोटा लेते हैं 100 वाट का, तो उसके ऊपर 100 वाट लिखा होता है, वो आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपने 150 वाट का लेना है, ये तकरीबन 6 से 6,500 के करीब मिल जाता है। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने पैनल लेने जाना है तो अच्छी सी और बड़ी सी दुकान से पैनल लीजिए, जहाँ पे वो पूरा सेटअप लगा के देते हैं, उनके पैनल अच्छे होते हैं, यानी कि जो जिसके ऊपर रजिस्टर्ड लिखा हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो चले वीडियो की तरफ आते हैं। तो मैक्सिमम पावर का मतलब है कि 150 वाट का पैनल, ये जो 150 वाट का पैनल, उसकी तकरीबन जो रेट है 6 से 6,500 रुपये में मिल जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम पावर करंट का मतलब है, ये जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है 8.33 एम्पीयर। जब आप पैनल लेने जाते हैं तो आपको जो दुकान वाला बंदा होता है वो उस टाइम चेक करवा के देता है धूप के सामने, तो उस वक्त अगर धूप तेज़ है तो कम अज़ कम 8 एम्पीयर उस पैनल से निकलने चाहिए, जो वो वोल्ट मीटर क्लैम मीटर आपको लगा कर दिखाते हैं, ठीक है। कम अज़ कम 8 एम्पीयर उस वक्त निकलने चाहिए, ठीक है। 150 वाट से 7 से 8 एम्पीयर तकरीबन 12 से 1 बजे के तकरीबन निकल आते हैं, ठीक है, पॉली पैनल के। अच्छा, मैक्सिमम पावर वोल्टेज कितने होते हैं, जो वोल्ट आपको दिखाएगा, ठीक है, वो है 18 वोल्ट। और ओपन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज वो होंगे 21.6, इनके जब वो आपको पैनल चेक करके दिखाएगा तो उसके वोल्ट उस वक्त 18 से 21 के दरमियान आ रहे होंगे। और शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है, ठीक है, जब वो आपस में उसकी तारें जोड़ते हैं तो उसका जो उस वक्त करंट होता है 9.58 एम्पीयर होता है। और नीचे जो सबसे आखिर में लिखा है पैनल का साइज़, 1480x680 mm और 35 mm इसकी मोटाई होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमेशा पैनल लेने से एहतियात।